नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अशोक गहलोत की बाढ़ बंदी से। देखिए जिस तरह से कांग्रेस में आप सभी देख रहे हैं क्या हालचाल चल रहे हैं, अशोक गहलोत ने किस तरह से अपने नाराज विधायकों को लेकर किस तरह से अपनी 126 सीटें जो है हासिल कर ली है, बीजेपी को एक शॉक दे दिया, बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया कि अब किसी नेता को अपने पार्टी में शामिल करके दिखाया। जिस तरह से बीजेपी में नेताओं की लहर लग रही थी, लगातार कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे और कांग्रेस को झटका दे रहे थे, वहीं अचानक से अशोक गहलोत आते हैं और जादू की छड़ी घुमाते हैं और अपनी 126 सीटें जो है वो पूरी कर लेते हैं। तो जिस तरह से अशोक गहलोत अपनी रणनीति अचानक से चलानी शुरू की, अचानक से तीन से चार दिन बचे और उसी बीच अशोक गहलोत को एक होश आता है और अपनी पार्टी के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया होता है। देखिए किस तरह से अशोक गहलोत ने उन विधायकों को मनाया, क्या रणनीति का इस्तेमाल किया, किस तरह से अशोक गहलोत ने खुद से सचिन पायलट को साइड कर जो है पूरा मोर्चा संभाला है कांग्रेस पार्टी को लेकर, जहां चुनाव बिल्कुल करीब है। तो इस बीच आज उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी अंजलि। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला है कांग्रेस पार्टी में, जहां उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि क्या करेंगे अशोक गहलोत, नाराज हैं उनसे उनके विधायक, लेकिन अब उनके विधायक ही उनका उनकी मजबूत उनकी ताकत बन गए हैं, क्या रणनीति का उन्होंने इस्तेमाल यहां पर किया होगा उसके बारे में बताइए। देखिए अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो चुनाव है वो होने वाले हैं, जिसका ऐलान चिंतन शिविर के दौरान यहाँ पर सोनिया गांधी करती नजर आई, वहीं पर अशोक गहलोत डगमगाते हुए भी नजर आए, उनकी डोर कहीं ना कहीं ढीली पड़ती भी नजर आए, लेकिन उसके बाद जब वो जाते हैं जो आप बात करी हैं जो नेता जो कांग्रेस से बसपा में शामिल हुए थे, उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि वो सीएम अशोक गहलोत का जो है इस्तीफा चाहते हैं, वो खुश नहीं है उनके नेतृत्व से, उनके काम काज से और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अन्य नेताओं को दरकिनार करते हुए चलती है, कहीं ना कहीं उससे जो है नाराजगी वो व्यक्त करते नजर आए थे और वो गायब हो गए थे, वो वहां नहीं पहुंचे थे, बाड़ेबंदी का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते थे। तो इस चीज का जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के हाथ में था। अशोक गहलोत उनसे मिलने जाते हैं, 3 घंटे की बैठक करते हैं, उसके बाद लगातार जो नेताओं की मांग होती है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या क्या उन्होंने मांग रखी है, लेकिन हाँ वो उन्हें ये आश्वासन जरूर दिलाते हैं कि चुनाव से ठीक पहले उनकी सारी शर्तों को वो पूरा करेंगे। तो ऐसे में जो मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर जो सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा भी उन्होंने मांगा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकलता है कि क्या सीएम अशोक गहलोत अपने इस्तीफे के लिए भी मांग गए हैं, जिस वजह से वो इन नेताओं को लेकर आ रहे हैं। देखिये पहले तो कोई भी नेता आने के लिए तैयार नहीं था, लास्ट मोमेंट तक भी 98 जो नेता थे वो उस बाड़ेबंदी का हिस्सा बने थे, होटल पहुंचे थे और 10 जून को जो बैठक है उसकी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से 10-20% जो नेता हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे अशोक गहलोत की कोई नई रणनीति होगी, जरूर उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी होंगी उन नेताओं के सामने जिसके लालच में वो नेता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बाड़ेबंदी का हिस्सा है, और जिस तरीके से यहाँ पर 120 या 124 नेताओं का जो है एक लिस्ट बनाई गई थी कि उनको शामिल होना है और वहां पर 126 नेता शामिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है बीजेपी से भारी होता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है साक्षी की अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो चुनाव होने वाले हैं, आखिर इन नेताओं को मनाने के लिए उन्होंने किन शर्तों का पालन करने की राय रखी है, क्या वो सच में सीएम पद की कुर्सी छोड़ देंगे, तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ ही रही है। बिल्कुल सामने आ रही है और आपने बिल्कुल सही बात कही, जिस तरह से रेस्टोरेंट में उनको देखा गया है, होटल में क्या जिस तरह से वो लोग पूरे बाड़ेबंदी में वो विधायक नाराज विधायक भी बैठे, कई ऐसे विधायक जो है 98 विधायक पर बैठे हुए हैं, लगातार वीडियो जो है वायरल हो रही है, किस तरह से विधायक जो वहां पे खुशी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है, वो पूरा माहौल दिखाई दे रहा है अगर आप वीडियो में ध्यान से देखें। इसी के साथ आपको बता दूं शर्त की आपने बात की, देखिए उन नाराज विधायकों की ये भी शर्त थी कि वो इस्तीफा दे दे, अशोक गहलोत जो है अपने पद से इस्तीफा दे दे। बाद में यह बात भी सामने आई कि अशोक गहलोत ने जितने भी वादे उन विधायकों के थे उनको मानने के लिए कह दिया है, वो मान गए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए। तो आप ये देखिए उन वादों में एक वादा ये भी था कि वो इस्तीफा दे, तो क्या ये वादा भी वो पूरा करने वाले हैं, इस पर राय आपकी क्या है, क्योंकि आप बता चुकी हैं कि अभी समझ नहीं है कि क्या शायद क्या उनका फैसला होगा, क्या वो पूरा करेंगे, लेकिन आपको लगता भी है कि वादा अगर किया भी है तो अशोक गहलोत पूरा कर सकते हैं अपने उन विधायकों के लिए?
देखिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले भी आज उन्हें उन नेताओं की जरूरत है जिस वजह से वो ये जाल बिछाते नजर आ रहे हैं, इस चीज का आश्वासन उन्हें जरूर दे रहे होंगे। लेकिन आप पिछले काफी समय से देखिए उनके कई पार्टी के ऐसे नेता हैं जो उनसे खफा हैं, जो उनसे परेशान हैं, जिन्हें उन्होंने दरकिनार किया हुआ है, जिस तरह वो सचिन पायलट को करते नजर आए, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी यही सेम चीज उन्होंने की थी। तो यहाँ पर इससे पहले जब वो इस्तीफा देते नहीं नजर आए, इससे पहले जब वो अपनी ही पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करते नजर नहीं आए, तो क्या आपको लगता है उन नेताओं के लिए जो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो चुके हैं, उन नेताओं के लिए यहाँ पर वो इस चीज का ऐलान करेंगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? तो मुझे इसमें कोई भी यहाँ पर जो है सच्चाई नहीं लगती है कि अशोक गहलोत अपना इस्तीफा इतनी आसानी से दे देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फैसला जो है सोनिया गांधी पर ही निर्भर करता है। क्योंकि अशोक गहलोत तो पहले ही ये बात कह चुके हैं कि उनका इस्तीफा तो सोनिया गांधी के पास कब से उन्होंने दे रखा है, वो जब चाहे वो पेश कर सकती है। तो सवाल सोनिया गांधी पर ही उठता है कि आखिर वो अभी तक उनका इस्तीफे को पेश क्यों नहीं कर रही है। और लगातार जो सीएम अशोक गहलोत इस्तीफे के बारे में बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं उन नेताओं को, अगर ऐसे में वो अपना जो है उनको यूज करते हैं, उनके वोट्स को यूज करते हैं, और उसके बाद जो है वो किसी भी उनके शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें आगे जाके खामियाजा देके भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं साफ साफ यही कहना चाहूंगी कि यही राजनीति है कि पहले आप लालच दीजिए, उसके बाद उनकी चीजों को पूरा नहीं कीजिए। ऐसा ही सरकार जनता के साथ करती है, पहले लालच देती है चुनावों के दौरान, और उसके बाद चुनाव के बाद जो है जनता को पूछती भी नहीं है। बिल्कुल, अशोक गहलोत का मास्टर प्लान अब देखा गया है, क्योंकि चुनावों के लिए उन्हें मना लिया, चुनाव है अभी, और मनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, उन्हें जरूरत थी 126 वोटों की, सीटों की, और उन्होंने वो पूरे कर लिए। और अब जब चुनावों के बाद जीत पक्की हो जाएगी, तो उसके बाद भूल जाएंगे उन नेताओं के वादे। क्यों वो विधायक ये चीज समझ नहीं रहे, क्यों विधायक इतना बचपना दिखा रहे हैं कि उनकी बातों में आ गए और बात मान ली। देखिये, यहाँ सचिन पायलट को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सचिन पायलट हर चीज में बोलते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, क्यों सचिन पायलट चुप है, क्यों सचिन पायलट अपनी आवाज यहाँ पर नहीं उठा रहे हैं? जब उन्हें दिखा कि दिल्ली आप पहुंचे, जिम्मेदारी आपको मिली थी, आपको मनाना था, पर अशोक गहलोत कितना मास्टर प्लान यूज करते हैं, रणनीति यूज करते हैं, वहीं बैठे बैठे उन्होंने उन नेताओं को मना लिया, विधायकों को मना लिया, उदयपुर वापस बुला लिया, और आप देखिए शर्तों को पूरा करने के लिए बोल भी दिया। आखिरी छोटा सा सवाल आपसे सिर्फ सचिन पायलट को लेकर ही रहेगा, क्यों सचिन पायलट चुप है? देखिए, सचिन पायलट चुप हैं, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी लॉयल्टी को अक्सर दर्शाते आए हैं। और देखिए, अशोक गहलोत के खिलाफ मैं बोलूं तो वो कभी भी चुप्पी नहीं साधते हैं। हाल फिलहाल में भी जो भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला था कांग्रेस पार्टी ने, उनका कहना है कि गहलोत सरकार में उस चीज पर सुनवाई क्यों नहीं हुई। आखिर जनता आकर यही सवाल करेगी कि यहाँ पर जब भ्रष्टाचार को लेकर ये बात की गई है, इसके बावजूद जो है अशोक गहलोत इस चीज को पूरा क्यों नहीं कर पाए, चीज पर सुनवाई क्यों नहीं कर पाए, जिस वजह से लगातार वो अशोक गहलोत पर तंज भी कस रहे हैं। और लगातार देखिए, आप सभी को पता है उन दोनों के बीच का मनमुटाव किस तरीके का है। तो देखिए, चुप्पी वो भले ही कांग्रेस पार्टी के लिए साधे बैठे हो, लेकिन अशोक गहलोत के लिए वो कभी भी चुप्पी नहीं साध के बैठेंगे। वो हमेशा अशोक गहलोत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं अशोक गहलोत को। सचिन पायलट लॉयल्टी पूरी तरीके से दिखाते हैं, मौका देखते हैं कि किस वक्त मुझे कौन सा वार साधना है। खैर, सचिन पायलट ने पहले से आरोप लगा रखा है डबल रिपीट सरकार को लेकर, कि सरकार जो है राजस्थान में रिपीट क्यों नहीं होती। वो शायद इसलिए चुप है क्योंकि वो सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं, अगर रिपीट हो जाएगी तो बोलना बंद कर देंगे, रिपीट नहीं होगी तो फिर से वार करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब सचिन पायलट की अगर चुप्पी है तो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होती है या नहीं होती है, उसको अशोक गहलोत चैलेंज उन्होंने लिया है पूरा करके दिखाएंगे या नहीं। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाए हैं, लगातार कई ऐसी चीजें हैं कांग्रेस को लेकर जो हमने आप तक पहुंचाई, जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, कांग्रेस का सच सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या रणनीति खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? ऐसी अपडेट्स आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।